हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्विस आज कुछ एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप फोर्चुला का ओलरेसिया यानी कि पर्सलिन की कटिंग आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। फोर्चुला का ग्रैंडी फ्लोरा यानी कि हमारा जो नॉर्मल लाइन ऑफ क्लॉक्स होता है या फिर जिसे गुले दो पारी भी बोलते हैं, उसी की फैमिली से है, उसी के जीनस से, सेम जीनस से दोनों प्लांट हैं फोर्चुला का। और दोनों में ही काफ़ी अच्छे खूबसूरत फूल आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर के आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के मेरे पास फोर्चुला का ओलरेसिया है, तो आज मैं इसी की कटिंग यहाँ से लूँगा और इसी को आज ग्रो करने वाला हूँ। तो यहाँ से पहले मैं कुछ अच्छी सी कटिंग निकाल लेता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर की। इसमें मेरे पास 5 कलर के हैं। यहाँ से मैंने 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर के पोर्चुला का और रेसिया की कटिंग ले लिया है। अब इसको मैं नई जगह पर लगाने वाला हूँ। और पर्सलिन की कटिंग लगाने के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल, कंस्ट्रक्शन वाली सैंड जो हमारे घर के बनाने में यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन सैंड, वो सैंड और कंपोस्ट, अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो चुका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट हो जो अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो चुका हो वो कंपोस्ट, तीनों में इक्वल रेशियो में ले रहा हूँ। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। अच्छे से पॉटिंग मीडिया को मिलाने के बाद हम एक ये भी पॉट में हमें लगाना है, वो पॉट लेंगे जिसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। और पॉट लेने के बाद जिसके ड्रेनेज होल हैं वो हम कवर कर देंगे गमले के पुराने टुकड़ों से। उसके बाद हम अपने पॉट में पॉटिंग मीडिया को अपने फिल कर लेंगे। पॉटिंग मीडिया को फिल करने के बाद इसे अच्छे से हम प्रेस करके सेट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारी कटिंग है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, बहुत ज़्यादा जो बड़े टुकड़े हैं उनको हम कट कर लेंगे। इसके बाद किसी टूल की हेल्प से हम इसमें गड्ढे बनाते जाएंगे और अपनी कटिंग को इसके अंदर ही दबाते जाएंगे। एक बार सारी कटिंग को लगाने के बाद हम इसको अच्छे अमाउंट में पानी देंगे फर्स्ट टाइम। एक बार हमारा पॉटिंग मिक्स अच्छे से जब पानी को सोख लेता है तो उसके बाद हम इस पॉट को किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मॉर्निंग की लगभग 11 बजे तक की सनलाइट, 10-11 बजे तक की सनलाइट आती है, वहाँ पे इसको रख सकते हैं। उसके बाद जब इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो आप चाहें तो इसे फुल सनलाइट भी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप जब अपने पर्सलिन को सनलाइट देंगे तो उतने ज़्यादा अमाउंट में आपको इसमें फूल देखने को मिलेगा। तो पहले तो हम कुछ दिन का वेट कर लेते हैं जब तक इसमें नई ग्रोथ नहीं शुरू होती है। फ्रेंड्स, कटिंग को लगाए हुए लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं। 10 दिन के बाद ही इसमें अच्छी ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई थी। 10 दिन के बाद ही इसमें रूट्स डेवलप होना शुरू हो गया था। अभी तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। मैं किसी एक दो कटिंग को बाहर निकाल करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें रूट्स डेवलप होना शुरू हो गई है, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तब आप इनको मनचाही जगह पे ले जा करके शिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।